हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। एक ने तो यहाँ तक कहा कि सीता ने सूर्यकुल के राज सिंहासन को दूषित कर दिया है। वो तो महाराज के लिए भी कह रहे थे कि स्त्री के मोह ने उन्हें अंधा कर दिया है। उसे राजमहल में रखकर अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। उस दिन उन्हें पाने के लिए सहायता मांगने आई थी, आज त्याग के लिए शक्ति मांगने आई हूं माता। यदि मेरा निर्णय ठीक है तो मुझे आशीर्वाद दो। Thank you.
दो एक दिन से महाराज कुछ चिंताग्रस्त लगते हैं। यदि आप उचित समझे तो मुझे अपनी समस्या बताएं। हो सकता मैं कुछ सहायता करूं। ऐसी कोई विशेष चिंता नहीं सीते, जिसके लिए तुम्हें विचलित कर दे। विशेष हो या साधारण, चिंता तो चिंता ही है। आपके हंसी के पीछे विषाद की जो एक रेखा दिख रही है, वो एक वीर राजा को शोभा नहीं देती। प्रजा आपको इस प्रकार विषाद में देखे तो उनका उत्साह क्षीण हो जाता है। क्या राजा को कभी कोई दुख नहीं हो सकता? राजा को दुख हो सकता है, परंतु वो उसे दिखा नहीं सकता। एक वीर राजा के धैर्य और सहन शक्ति से ही संबल पाकर प्रजा उत्साहित रहती है। कठिन है, अति कठिन है। यह आदर्श निभाना बहुत कठिन है। मनुष्य को कितनी बार विष पीना पड़ता है। भगवान शिव ने तो केवल एक बार ही हलाहल पी लिया था, परंतु मानव को तो पग पग पर विष पीना पड़ता है। कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है मानव के हृदय को। पीड़ा तो मानव जीवन का एक अंग है। मानव का जन्म लिया है तो पीड़ा तो सहनी पड़ेगी। यदि मानव बनना ही है तो यह हृदय नहीं होना चाहिए। दुख तो हृदय ही देता है। यदि हृदय न हो तो भावना कहां से होगी? यदि भावना न हो तो फिर यह संसार ही क्या रहेगा? ये भी देवलोक बन जाएगा, जहां केवल ज्ञान ही ज्ञान होता है। उसमें भावना का आनंद ही कहां? नहीं सीते, भावना केवल पीड़ा है। पीड़ा है, परंतु भावना में महानता भी तो है। और मनुष्य जन्म की महानता भावना के कारण ही है। एक सच्चा वीर पुरुष वही होता है जो भावना के आक्रमण को सह कर भी अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता। वही देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। अतः भावना का सौंदर्य भी रहे, धर्म की दृढ़ता भी रहे, अब यही आदर्श तो आपको और मुझे स्थापित करना है। तुम कहना क्या चाहती हो सीते? महाराज, एक स्त्री के लिए आप इतने चिंतित रहे कि राजकाज में भी विघ्न पड़े, यह अयोध्या पति को शोभा नहीं देता। परंतु हम उस स्त्री को न्याय नहीं दे सके। वो हमारे द्वार से न्याय की भीख मांगती हुई चली गई। क्या हमें इसका खेद नहीं होना चाहिए? मैं उस स्त्री की बात नहीं कर रही। मैं उस स्त्री की बात कर रही हूं महाराज, जिसके कारण आज अयोध्या के राज्य सिंहासन पर कलंक की छाया पड़ रही है। कौन स्त्री? अयोध्या की महारानी सीता, आपकी पत्नी। मुझे इस बात का विस्मय है कि आप जैसा धीर और वीर पुरुष इतने दिनों मुझे इतनी सी बात बताने का साहस क्यों न कर सका कि प्रजा सीता को अपवित्र समझती है। क्योंकि वो बात झूठी थी, तुम्हें बताने के योग्य नहीं थी। परंतु वो प्रजा का मत है। प्रजा यदि झूठ के आधार पर अपनी धारणा बना ले तो क्या किया जाए? राजा झूठ के आधार पर किसी निर्दोष को दंड दे दे, ये कहां का न्याय है? ये न्याय का विषय नहीं, कुल के गौरव का विषय है। अयोध्या का राज्य सिंहासन
एक पवित्र वस्तु है, उस पर कलंक की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। यदि वो कलंक झूठा हो तो? फिर भी छाया तो रहेगी। राज्य सिंहासन पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए। तो उसका रास्ता क्या है? मेरा त्याग। सीता का त्याग राम करेगा? राम सीता का त्याग करेगा? नहीं, राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेगी। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात आप ही ने कहा था कि सीता तुम मेरी दासी नहीं, मेरी मित्र, मेरी साथी बनकर रहना। सो मित्र के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि मेरा रहना आपके जीवन को कलंकित कर रहा हो, मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। झूठ के सामने घुटने टेक कर? नहीं, प्रजामत के सामने नतमस्तक होकर। एक राजा के नाते जनमत का आदर करना आपका धर्म है। सीते, यदि यही राजा का धर्म है तो मैं राजा ही नहीं रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ निकल जाऊंगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो राजा की प्रतिष्ठा और रघुकुल की उज्जवल कीर्ति को और आघात पहुंचाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाला राजा राम एक स्त्री के मोह में फंसकर अपने कर्तव्य पथ से भटक गया। इस कलंक से इतिहास आपको कभी मुक्त नहीं करेगा। सीते, सीते, क्या मेरे लिए केवल राजा का ही कर्तव्य है? मानवता के नाते, पति के नाते मेरा कोई कर्तव्य नहीं? मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए? कौन सी मानवता, कौन सा नाता महाराज? जिस दिन आपने राज मुकुट पहनकर राजा बनने की शपथ ली थी, उस दिन आपने साधारण मानव होने के अधिकार को तिलांजलि दे दी थी। राजा का कोई संबंधी, कोई सगा नहीं होता, राजा की कोई पत्नी नहीं होती, वो सबके लिए एक सन्यासी बन जाता है। उसका संबंध केवल प्रजा के साथ रह जाता है। सीते, मुझे समस्त अपयश का भागी बनना स्वीकार है। भले ही सारा संसार मेरी निंदा करे, लेकिन मैं एक निर्दोष पत्नी पर यह अत्याचार और यह अन्याय नहीं कर सकता। आप राजा होकर धर्म का मार्ग छोड़ना चाहते हैं? धर्म क्या है? वही धर्म है जिसे अपनी अंतरात्मा स्वीकार करे। गुरुदेव ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, अतः मेरी आत्मा जिसे ठीक मानती है मैं वही करूंगा। मैं सब कुछ त्याग दूंगा, परंतु सीता का त्याग नहीं करूंगा। यही आपका निर्णय है? हाँ। तो आइए मेरे साथ।
राज्याभिषेक के पश्चात आपने इन पितरों के सम्मुख एक शपथ ली थी, जो इन पत्थरों पर, इस वातावरण में वायु के कण कण पर अंकित है। आपके शब्दों का नाश नहीं हुआ, ध्यान से सुनेंगे महाराज तो वह शब्द आपको अभी सुनाई देंगे। सुनिए महाराज, ध्यान से सुनिए। राजा के रूप में मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिससे आपका शीश लज्जा से झुक जाए। धर्म, न्याय और बलिदान के जो कीर्तिमान आपने स्थापित किए हैं, उनकी उज्ज्वलता यदि किसी भी कारण से धूमिल होने की आशंका भी होगी तो मैं उस कारण को ही तत्काल मिटा दूंगा, चाहे वो कारण मैं स्वयं ही क्यों ना हूं। आप इन्हें उत्तर दीजिए, आज क्यों अपनी पत्नी के मुंह में आकर अपनी शपथ भूल गए कि जो स्कूल की कीर्ति को धूमिल करेगा उसका हम त्याग कर देंगे। आपको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, तो क्या महाराजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और पुत्र रोहित से प्यार नहीं था? तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बाजार में खड़ा करके बेच क्यों दिया? केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए। क्यों महाराजा शिवी ने अपने शरण में आए हुए एक कबूतर के लिए अपने तन का मांस दे दिया? अपने धर्म और कुल की कीर्ति की रक्षा के लिए। इसी प्रकार अब इस कुल की कीर्ति और यश की रक्षा करना अब हमारा कर्तव्य है। क्या हमारे निजी सुख इन महापुरुषों की कीर्ति से अधिक मूल्यवान है? स्वामी, मैं भी इस कुल की बहू हूं, इस कुल के गौरव की रक्षा करने में मेरा भी उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि आपका। फिर मेरे पितृकुल के पूर्वज आज मेरी ओर देख रहे होंगे कि आज जब ससुराल कुल की कीर्ति और यश के लिए अपने निजी सुख के बलिदान करने का समय आया है, तो हमारी पुत्री उस परीक्षा में पूरी उतरती है या नहीं? हे रघुवंश की महान आत्माओं, मैं आपके पुत्र वधु और मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता अपने महान पति अपने भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध लेकर वचन देती हूँ कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर नहीं पड़ेगी। मैं अपना नाम का भी त्याग करती हूँ ताकि ये कलंकित नाम किसी के जिह्वा पर भी ना आए। रघुवंशियों की भावी संतान को मैं अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूँ और ये वचन देती हूँ कि इस संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि आपके नाम और कीर्ति को और भी उज्जवल करे और वीरता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाए। मेरा जीवन उस दिन सार्थक होगा जब मेरी पवित्रता, मेरे सतीत्व, मेरी एकनिष्ठ पति भक्ति, मेरे संतान की वीरता के सामने यही अयोध्या की प्रजा घुटना टेक कर नतमस्तक हो जाए और जो कलंक आज आपके पुत्र वधु पर लगा रही है उसके लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना करे
जिससे मेरे महान पति और आपकी कीर्ति पताका तीनों लोकों में सदा लहराती रहे। मेरे वचन सत्य हो, इसके लिए मुझे आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करें। हे राघव, यदि मैंने मन कर्म वचन से इन चरणों के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं किया तो मेरा वचन निभाने में मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि पति की आज्ञा के बिना नारी अपने किसी भी धर्म या वचन का पालन नहीं कर सकती। अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मेरे लिए अपने ही योग अग्नि में जल के भस्म होने के अतिरिक्त इस कलंक को मिटाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। यही एक रास्ता है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी परीक्षा मत लीजिए प्रभु, मत लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किय की प्यास बुझत न बुझाए।